हेलो फ्रेंड्स, पूजास किचन में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है बटर चिकन, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और आप इस रेसिपी को आराम से घर पे बना सकते हो। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बटर चिकन बनाने के लिए हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन, जो कि मैंने 1/2 kg लिया हुआ है। फिर मैंने 2 टमाटर लिए हुए मीडियम साइज के और इसे रफली चॉप कर लिया है। 2 प्याज लिए, इसे भी रफली चॉप कर लिया हुआ है। 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। 10 से 12 स्मॉल पीसेस लिए अदरक के और 1 टेबल स्पून लहसुन लिया हुआ है। 5 पीसेस काजू के लिए हैं और 4 पीसेस बादाम के लिए हुए हैं। उसके बाद मैंने 1 टी स्पून जीरा लिया है, 2 छोटी इलायची ली है, 4 स्मॉल पीसेस दालचीनी के लिए हैं, 1 पीस बड़ी इलायची का लिया है, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर लिया हुआ है, 2 तेज पत्ता और 5 लौंग लिए हैं। अब हम पिसे हुए मसाले का मिक्सचर तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया हुआ है और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है। तो अब इन मसालों में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इनको अच्छे से पानी में घोल लेंगे। और जब सारे मसाले अच्छे से घुल जाएंगे तो हम इसे साइड में रख लेंगे, जिससे सारे मसाले पानी को अच्छे से सोक कर लें। तो फिर अब पकाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई लिया और इसमें मैंने तेल ऐड कर दिया। लगभग मैंने 2 से 3 टेबल स्पून तेल ऐड किया है और हम तेल को गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम चिकन के पीसेस इसमें ट्रांसफर कर देंगे और चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे लिड रखा है, क्योंकि चिकन स्टार्टिंग में पानी छटकता है, तो इस वजह से पानी आप में छटक करके तेल और पानी ना आए, इस वजह से लिड का यूज कर लेंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे जिससे चिकन बॉटम में ना लगे। और यहाँ पे गैस को हम हाई मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, तो चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। यहाँ पे हम चिकन को लगभग 80% पका लेंगे। तो अब देखिए, हमारा चिकन अच्छे से पक गया है। अब इस चिकन को हम साइड में रख देंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा और तेल ऐड कर दिया सेम कढ़ाई में, और इसमें मैंने जीरा डाला और काली मिर्च डाला और इनको हम भून लेंगे। जब जीरा अच्छे से चटकने लगे तब हम कटा हुआ प्याज इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे। और फिर उसके बाद में जब प्याज हल्का सा पक जाएगा तब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, काजू डाल देंगे और बादाम भी ऐड कर देंगे। उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से चला देंगे और फिर उसके बाद में इनको हम पकने देंगे। हम तब तक पकने देंगे जब तक हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है, तब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने का बेनिफिट ये है कि आपका टमाटर जल्दी से पक जाता है। तो अब हम कढ़ाई को लिड से कवर कर देंगे और इन्हें पकने देंगे। फिर उसके बाद में हम लगभग 5 से 10 मिनट के बाद में हम लिड को ओपन करेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा प्याज और टमाटर पक गया है कि नहीं। तो आप इन्हें प्रेस करके देख लें, प्याज हमारा पक गया है तो हमने इसको प्लेट में निकाल लिया और इसे ठंडा होने देंगे। और उस ठंडा होने के बाद में हम इसका एक पेस्ट प्रिपेयर करेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे और इस तेल को हम गर्म होने देंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें बड़ी इलायची डाल देंगे, 2 तेज पत्ते डाल देंगे, दालचीनी के पीसेस डाल देंगे और फिर उसके बाद में हम लौंग इसमें ऐड कर देंगे और छोटी इलायची ऐड कर देंगे। फिर हम स्पून की हेल्प से इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला देंगे, जिससे ये सारे के सारे खड़े मसाले अच्छे से पक जाएं। तो हमारे सारे मसाले अच्छे से पक
पक गए हैं। तो उसके बाद में हमने जो पिसे हुए मसाले का मिक्सचर प्रिपेयर किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पे हम गैस को लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया है और फिर उसके बाद में स्पून की हेल्प से मसाले को चलाते रहेंगे और फिर मसाले को पकने देंगे। जब मसाला तेल छोड़ दे तो हम क्या करेंगे, जो हमने एक पेस्ट प्रिपेयर किया था वो ऐड कर देंगे। फिर इनको भी अच्छे से चला देंगे और ये पेस्ट भी मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे जिससे मसाले अच्छे से पक जाएंगे। तो इन मसालों को हम तब तक पकाएंगे जब तक मसाले तेल छोड़ना ना स्टार्ट कर दें और गैस को हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और बीच बीच में मसाले को चलाते रहेंगे जिससे मसाले बॉटम में ना लगें। तो हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, इसने तेल छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने इसमें चिकन के पीसेस ट्रांसफ़र कर दिए और उसके बाद में हम चिकन को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन अच्छे से मिक्स हो गया है मसालों में और अब हम कढ़ाई को लिड से कवर कर देंगे और लगभग 5 मिनट तक लो फ्लेम पे इनको रोस्ट मसाले के साथ में पकने देंगे। फिर हम इसे चला देंगे और उसके बाद में इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने लगभग 1 ग्लास पानी इसमें ऐड किया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंगली भी पानी ऐड कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर लीजिए, अगर कम ग्रेवी चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आप लगभग 10 मिनट तक हम चिकन को और पकाएंगे क्योंकि फ्राई करते समय चिकन लगभग 80% कुक हो चुका था, 80% पक चुका था, इसीलिए हमें इसे ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। बट बीच बीच में हम लिड को ओपन करते हैं, इसे चलाते भी रहेंगे। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है, बट याद रखिए जब हमने प्याज और टमाटर को पकाया था तो भी हमने उसमें सॉल्ट ऐड किया था। तो आप अपने अकॉर्डिंगली स्वाद के अनुसार सॉल्ट ऐड कर दिए। अब मैंने रोस्ट की हुई कसूरी मेथी को भी चिकन में ऐड कर दिया है। ये ऐड करने का बेनिफिट ये है कि इससे आपके चिकन का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब इसमें 25 ग्राम लगभग बटर ऐड कर दिया और मैंने यहाँ पे गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया है और सारी चीज़ों को, बटर को, कसूरी मेथी को और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन में। तो हमारी रेसिपी रेडी हो गई है, बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे खुद भी खाइए और मेहमानों को खिलाइए, सबको बहुत अच्छी लगेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको हमारे आगे के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहें।